अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? जैसा कि आपको मालूम है कि हमने डिफरेंशिएट के कुछ क्वेश्चन किए थे, आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। तो लेट्स सपोज हमारे पास है वाई इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स 3/2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स। अब यहाँ पे आपको कुछ बच्चों को कंफ्यूजिंग होती है कि यहाँ पे ये प्रोडक्ट रूल भी लग रहा है और आपका क्वेश्चन रूल भी लग रहा है। तो यहाँ पे आपने एक और काम करना है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें ताकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाए। और तो यहाँ से हमने क्या करना है, हमने इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1 प्लस अंडर रूट एक्स, और यहाँ से आपने अंडर रूट एक्स ये कॉमन ले लें यहाँ से, और यहाँ पे आपके पास अंदर क्या बचेगा, अंडर रूट एक्स माइनस ये हाफ आपका बाहर आ गया, तो हाफ आपका यहाँ से निकल आएगा, तो यहाँ पे आपका ये एक्स रह जाएगा, और होल डिवाइडेड बाय आपके पास अंडर रूट एक्स। और यहाँ पे आपको देखेंगे कि ये आपका कट रहा है, तो आप कट करेंगे और यहाँ पे आपके पास वैल्यू पे आएगी 1 प्लस अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स माइनस एक्स। और देखिए कितनी आसानी के साथ हमने क्या किया, एक प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई हो रहा था, क्वेश्चन रूल भी अप्लाई हो रहा था, हमने क्या किया उसको सिंप्लीफाई किया। अब यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ इनका प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, और यहाँ पे भी अप्लाई आप सिंप्लीफाई और भी कर सकते हैं और प्रोडक्ट रूल भी यहाँ पे लगा सकते हैं। चले आए हम इसको सिंप्लीफाई करके फिर हम करते हैं इसको आगे। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, 1 को अंडर रूट एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, अंडर रूट एक्स आ जाएगा, और -1 के साथ मल्टीप्लाई करें एक्स को, और फिर क्या करेंगे, अंडर रूट एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स, और फिर -√x इंटू अंडर रूट एक्स आ जाएगा, अंडर रूट एक्स इंटू एक्स या एक्स इंटू अंडर रूट एक्स लिख लें। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, आपके पास अंडर रूट एक्स माइनस एक्स और अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स, ये आपके बनेगा आपके पास एक्स, क्योंकि अंडर रूट एक्स का ये स्केयर आ जाएगा, और माइनस एक्स इंटू अंडर रूट एक्स। यहाँ पे आपने इसको सिंप्लीफाई करना, और अंडर रूट एक्स माइनस एक्स प्लस ये कट करेगा तो प्लस एक्स आ जाएगा, और माइनस ये एक्स की पावर ये 1 है और ये एक्स की पावर आपके पास 1/2 है, और यहाँ पे आपके पास ये प्लस और माइनस ये कट जाएगा, आपके पास आ जाएगा अंडर रूट एक्स, और माइनस यहाँ पे आपके बेस एक जैसी हैं तो पावरें ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पे एक्स 1 प्लस 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पे आपने इनको ऐड करना है, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस पावरें ऐड होंगी, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 3/2। अब आपके पास वाई किसके इक्वल आ गया है, अंडर रूट एक्स माइनस एक्स की पावर 3/2। देखिए हमने क्या किया है, एक क्वेश्चन रूल, प्रोडक्ट रूल, इनको सिंप्लीफाई किया है, तो प्रोडक्ट रूल में कन्वर्ट हो गया, फिर प्रोडक्ट से हमने सिंप्लीफाई किया तो एडिशनल सब्ट्रैक्शन रूल में ऐड हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो डेरिवेटिव लेंगे बोथ साइड, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई इज इक्वल टू आपके पास, सॉरी, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू आपके पास डी ओवर डी एक्स इंटू अंडर रूट एक्स माइनस एक्स की पावर 3/2। अब ये डेरिवेटिव क्या होगा, पहले इंप्लीमेंट होगा अंडर रूट एक्स पे, फिर इंप्लीमेंट होगा एक्स की पावर 3/2 पे। अब यहाँ पे पावर रूल ही लगेगा, ये आपका जो पावर है ये आपकी 1/2 ही है, तो 1/2 आप लिख लें यहाँ पे, तो पावर पहले आप लिखेंगे और पावर में से एक आप कम कर लें, माइनस यहाँ पे भी आपके पावर रूल लगेगा, तो पावर पहले और पावर में से एक काम करेंगे, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो इसमें से आप माइनस करेंगे तो 1/2 आएगा, माइनस 3/2, और इसमें से आप हाफ करेंगे तो ये 1/2
टू आ जाएगा। और इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, वन बाय टू कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे वन बाय, ये एक्स की पावर नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए वन बाय एक्स, उसको अंडर रूट में लिख लें, और यहाँ पे माइनस थ्री इंटू एक्स की पावर वन बाय टू, यहाँ अंडर रूट में लिख लें। तो यहाँ तक आपका आंसर आ चुका है। इसको मज़ीद सॉल्व करना हो तो आप इसको मज़ीद इसको हल कर सकते हैं। इसका आपने एलसीएम लेना है, अंडर रूट एक्स वन माइनस थ्री इंटू अंडर रूट एक्स को अंडर रूट एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा, एक्स आ जाएगा, वो यहाँ पे एक्स आप अप्लाई करेंगे। तो यहाँ तक आपके क्वेश्चन हल तो हो चुके हैं, और इससे मज़ीद आके जो भी जितने भी इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन हैं वो आप कोशिश करें कि खुद करें, अपने हाथ से करें। जब तक आप इसको खुद नहीं करेंगे तब तक आपको ये, आप एक बार करेंगे ये भूल जाएंगे, फिर बार बार करने से आपको याद रहेंगे कि हमने कौन सा रूल अप्लाई करना है, कौन सा यहाँ पे मेथड अप्लाई होगा, तो फिर ये सॉल्व होगा। यहाँ पे मैंने सिंपलीफाई भी किया है, और इसको प्रोडक्ट रूल को, यानी ये कोशेंट रूल को प्रोडक्ट रूल में कन्वर्ट किया है, और प्रोडक्ट को फिर मैंने सिंपलीफाई मज़ीद करके फिर मैंने उसका डेरिवेटिव लिया है। तो अगर मैं इनिशियली स्टेज पे ही मैं डेरिवेटिव ले लेता तो ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हो जाता, तो आंसर यही आता हमारा। तो उसको सॉल्व करने का हमारा मकसद नहीं था, हमने सिर्फ और सिर्फ इसको सिंपलीफाई करना था, वो हमने कर लिया। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।